नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त वनस्पति को लेकर आया, एक ऐसी वनस्पति जो पहाड़ों में उगती है, जिसे कॉनिफर कॉर्न कहते हैं, या पाइन ट्री का पाइन कॉर्न भी कहते हैं, या कई नाम हैं, पाइन नट्स भी कहते हैं, इसमें से जो नट्स निकलते हैं वो पाइन नट्स होते हैं, तो पाइन ट्री में उगने वाला पाइन फ्लावर भी कहते हैं। कॉनिफर कॉर्न ये हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला नाम है। और ये जो वनस्पति है, इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना कुछ ऐसी है कि इसमें से जब हवा पास होती है तो नकारात्मक ऊर्जा को यहीं छोड़ करके सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के बाहर निकलती है। मतलब कि इनके इस डायरेक्शन में, इनके ये जो छोटे छोटे जो छेद हैं, यहाँ सकारात्मक ऊर्जा अपने आप व्याप्त होती है। मतलब कभी भी आप नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए, नेगेटिविटी से एकदम ज़्यादा घिरे हुए हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको सिर्फ हाथ में लेकर के बैठेंगे तो आपको महज 1 से 1.5 मिनट के भीतर ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके हाथों में से होते हुए आपके हृदय तक पहुँचेगा। तो ये वनस्पति जो है, ये जो फूल है, पाइन फ्लावर जो है, कॉनिफर कॉर्न जो है, ये क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, और इसके बेस को आप देखेंगे तो ये एक तरह का गोल्डन रेशियो क्रिएट करता है। मतलब कि एक तरह का, जैसे कि लक्ष्मी माता का यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, श्री यंत्र जिसे बोलते हैं, उसका डिज़ाइन से मिलता जुलता ये डिज़ाइन क्रिएट करता है। तो ये एक रैंडम फ्लावर है, रैंडम कोई भी जो ज़मीन पर गिरा हुआ फ्लावर, एक पहाड़ी जगहों पर ईजिली, जब मैं नैनीताल गया हुआ था तो वहाँ मैंने इसे उठाया था, बहुत सारे उठाए थे। मैं बाई रोड गया हुआ था कार से, गया तो अपनी कार के डिक्के में मैंने बहुत सारा भर लिया था। और शिमला के कैंप में भी हम गए थे, तो शिमला में भी ये बहुत देखने को मिला था। तो मेरे कहने का मतलब, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। और इसकी ऊर्जा, अगर आप इसमें कोई भावना को रख करके, आपने कुछ किसी विचार को रख करके, किसी थॉट को रख करके, किसी विश को रख करके, किसी उद्देश्य के साथ, अगर आप इसे किसी हरे पौधे के साथ मिला करके किसी जगह पर रख दें, या फिर जैसे किसी हरे पौधे के गमले में अगर इसको रख के छोड़ दें, तो ये ऐसी ऊर्जा, क्योंकि प्लांट्स ऑलवेज ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन इससे होते हुए जब वातावरण में बहेगा तो सकारात्मक ऊर्जा बहेगी, और आपके पांचों हेल्थ, फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल, पांचों हेल्थ पर ये सीधे असर करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, आप जिसको इस पाइनल ग्लैंड नहीं बोल रहा हूँ, हालांकि पाइनल ग्लैंड का नाम भी इसी, हाँ ये इसका एक और अच्छी बात कि पाइनल ग्लैंड जो होता है, जो थर्ड आई के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है, उसका नाम भी इसी पाइन ट्री के पाइन से ही रखा गया है, पीनियल है ना। तो इसके बहुत सारे औषधि भी बनते हैं, उसकी चर्चा किसी और चीज़ में करेंगे। जैसे पाइन ऑयल निकलता है इसके पाइन नट्स से, तो उसको बहुत सारे औषधि के रूप में से काम में लिया जाता है। लेकिन अभी हम इसका जो स्पिरिचुअल बेनिफिट है, इसका जो एनर्जी फॉर्म में जो बेनिफिट है, वो हम उससे चर्चा कर रहे हैं। आप इसके आसपास अगर कोई वाइब्रेशन को पैदा करते हैं, जैसे कि आप इसके आसपास, तो आप घंटी यहाँ पर की वाइब्रेशन अलग फील करेंगे और इसकी वाइब्रेशन आप अलग फील करेंगे। आपको सीधा समझ में आएगा कि ये वाइब्रेशन बढ़कर आपको मिल रहा है आपके हाथों में। जो भी रेकी हीलर हैं, जो भी किसी भी विधा के हीलर हैं, जो अपनी हथेलियों में ऊर्जा को महसूस करना जानते हैं, वो पाइन ट्री के इस कॉनिफर कॉर्न से आप इस ऊर्जा की बढ़ी हुई मात्रा को महसूस कर सकते हैं। अगर समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इस मेडिटेशन बाउल के सामने अगर मैं इस घंटी को बजाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा फील होनी चाहिए और छन्ने का ऊर्जा यहाँ पर कम फील होनी चाहिए, लेकिन ये उल्टा, यहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा फील होती है। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है जो आपको मैं ये देना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ को आप बिल्कुल इसका प्रयोग करें। इसे अपने घर में लाने के बाद सिर्फ 12 से 15 दिन, या 15 दिन सबसे गुड है, 15 दिन आप इसे इस तरह से रखकर हील करें, और अपने विचारों से भरें कि आप इसको अपने घर में किस लिए लाना चाहते हैं, किस लिए आप इसको उपयोग करना चाहते हैं। ये पहाड़ों में ईजिली ज़मीन में पड़ा हुआ मिलता है, उसे लाओ, उठाओ और इस्तेमाल करो।
और अगर आप कहीं से ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसे ख़रीद सकते हैं। हमारे हीलिंग साइंस फाउंडेशन में भी ये बहुत उपलब्ध है, अच्छे से उपलब्ध है। हमारे पहाड़ों में रहने वाले जो हीलर्स हैं वो हमें इसे भेजते हैं, वहाँ से कुरियर करते हैं और हम इसे चार्ज करके, इसे हील करके अपने हीलर्स को, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे हीलिंग साइंस के जो क्लाइंट्स हैं जो किसी भी उद्देश्य से इसको चाहते हैं अपने घर में, तो उसे हम हील करके भेजते हैं। तो आप इसे हमसे भी ऑर्डर करके, हमारे यहाँ से भी ऑर्डर करके ले सकते हैं। यहाँ बहुत इजी है, इसे कोई ख़रीदने वाली बात नहीं। आप कभी घूमने जाएंगे तो वहाँ से उठा करके भी ले आइएगा, है ना। तो आशा करता हूँ ये जो कॉनिफर कौन है इसकी महत्व को आप समझ पाए होंगे और इसका प्रयोग करके अपने घर में सुख समृद्धि शांति लेकर के आएंगे। हर कमरे में एक ये कॉनिफर कौन रखा जाए, हर कमरे में खूबसूरती सजावट के तौर पे भी और वास्तु के हिसाब से भी आपको ये बहुत बेनिफिट देगा। तो आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।